गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी नरेट करने जा रही हूँ जो आपके दिमाग में सवाल ज़रूर पैदा करेगी कि आपकी लाइफ में सर्वाइवल क्यों है, क्यों आप सर्वाइव इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्या ह्यूमन ब्रेन इतना कुछ चेंज कर सकता है लाइफ में, इतना पावरफुल है वो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट योर इम्पॉसिबल विद मीट मींस प्राची गोयल। सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि रियल है, रियल सफरिंग पे बेस्ड है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो कि लिखी है ई विक्टर फ्रेंकल ने। गाइस, इन्होंने अपनी सारी सफरिंग को एक छोटी सी बुक में लिखा है, अपने रियल मीनिंग को लिखा है लाइफ के। उन्होंने बताया है उस कैंप में सभी युद्धियों के सफ़र को कि उन्होंने कैसे सफ़र किया। उन्होंने बताया है कि उनको ऑस्विच कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था और धीरे धीरे उनकी मदर, उनके फादर, उनके ब्रदर एंड इवन उनके सारे फ्रेंड्स की डेथ होती जा रही थी। सब उस कैंप में दम तोड़ते जा रहे थे। उन्होंने ये भी बताया है कि उनको सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन वाले कैंप में रखा गया था, ना जहाँ पे ना उनको कपड़े मिलते थे, ना खाने को और ना ही सोने के लिए जगह मिलती थी। उन्होंने ऐसी जगह पे सरवाइव कैसे किया, इसी पे आज हम बात करेंगे। गाइस, उन्होंने अपनी सारी मीनिंग्स को एक बुक में लिखा जिसका नाम उन्होंने रखा था मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको कंसंट्रेशन कैंप के बारे में नहीं पता, तो जब हिटलर ने अपना कब्ज़ा पूरी तरीके से जमाने की कोशिश की थी, परचम लहराने की कोशिश की थी, तब उन्होंने युद्धियों को एक अलग जगह पे रखा, यानी एक उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए जहाँ पे उनको बहुत ही बेदर्दी से मारा जाता था, भुखमरी काम करवाया जाता था, और ऐसी जगह पर विक्टर ई फ्रेंकल ने अपना सर्वाइवल किया। कैसे किया, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, वैसे हो सकता है उनकी जो सोचने की दशा थी वो थोड़ी अलग थी, और उनके ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब उनके सोचने के तरीके वजह से उन्होंने सफ़र करा। उन्होंने बताया कि अगर आपकी लाइफ में सफरिंग है तो इसके पीछे कोई मोटिव है। अगर आपकी लाइफ में मोटिव नहीं है तो आप सफ़र नहीं करेंगे, आप हार मान के, गिव अप मान के जल्दी से सुसाइड करने के ख्याल आएंगे आपके दिमाग में। यानी उन्होंने बताया था एग्जांपल देके कि उनके कैंप में दो तरीके के लोग थे, पहले जो बहुत ही जल्दी हार नहीं मान रहे थे, जिनके पास होप थी, बहुत स्ट्रॉन्ग होप थी जीने की, और दूसरे जिनके पास बहुत ही होपलेस थे, जिनके पास कोई होप ही नहीं थी कि वो जिएंगे भी क्यों, उनके पास, उनको पक्का पता था, ठान रखी थी कि हाँ हमारी तो डेथ हो ही जाएगी। उन्होंने बोला था कि हमारे पास ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए जीने के लिए, तो हम किसी भी कंडीशन से लड़ सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होगा तो हम ना कभी डिप्रेस्ड फील करेंगे, ना हम कभी एंग्जाइटी फील करेंगे अपने अंदर, और ना हम कभी बोर फील करेंगे। उन्होंने बताया आज इंसान अगर एंग्जाइटी, डिप्रेस्ड और बोर फील कर रहा है या करता है तो इसका यही रीज़न है, स्ट्रॉन्ग वाई, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आप ढूंढ नहीं लेंगे। गाइस, उन्होंने सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बताई है कि आपके पास चॉइस की फ्रीडम है, आप हर चीज़ को अपनी चॉइस से बदल सकते हैं, सरकमस्टांसेस को। उन्होंने बोला आपके साथ कुछ भी हो रहा है, थिंग्स हैपन टू यू एंड योर रिस्पॉन्स, जो आप कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स क्या दिखा रहे हैं उसकी तरफ, इन दोनों के बीच में एक बहुत पतली सी दीवार है, एक लाइन है पतली सी, जो कि एक्चुअली डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन योर चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, बहुत एग्जाम्पल है, लाइक सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट तब तक नहीं होगा तक आप फ्रीली ड्राइव कर रहे हैं, और आप दूसरों का भी नहीं करेंगे, इट मीन्स आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर सेफ्टी मेजर्स, व्हाट इज़ योर फ्रीडम ऑफ चॉइस, दैट इज़ योर सेफ्टी मेजर्स। आपने अपने सेफ्टी मेजर्स रखे, ये आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस थी। गाइस, उन्होंने ये भी बताया है कि हर बंदे के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, एंड यही एक चीज़ है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। Something can never be taken from us, that is our freedom of choice. हम क्या choice करते हैं यही हमारा future depend करता है इसी चीज़ पर, इसीलिए हम किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने एक लोगो थेरेपी भी दी थी, उन्होंने बोला था अगर हम अपनी लाइफ पे एक लोगो यानी एक थप्पा लगा दें तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही enjoy करेंगे, यानी अगर हम लाइफ को एक मीनिंग दे दें तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही सही ट्रैक पे रहकर जी सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास एक ह्यूज मोटिव होगा कोई भी काम करने के लिए, अगर हमारे पास कोई ह्यूज मोटिव होता है तो हम वो काम करना चाहते हैं। वैसे ही अगर लाइफ के पीछे कोई ह्यूज मोटिव होता है तो हम लाइफ जीते हैं, नहीं होता तो
वेस्ट ही कर रहे हैं हम लाइफ गाइस ऐसी जगह पे कंसंट्रेशन कैंप में जहाँ हम एक घंटा नहीं रह सकते, वहाँ पर उन्होंने 3 साल सर्वाइव किया है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कैसे, यही रीजंस है क्योंकि उन्होंने लाइफ का रियल मीनिंग ढूंढा था, उनको लाइफ का रियल मीनिंग पता था। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एवरीथिंग इन द फ्रंट ऑफ यू, ये बात सच है, पूरी कायनात आपको सारे सिग्नल्स देती हैं, सब कुछ बताती है, बट दिक्कत ये है कि हम समझते नहीं हैं। ई फ्रेंकल हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जिन्होंने ऐसी हार्श कंडीशन में रियल मीनिंग निकाला, मोटिव निकाला लाइफ का, और हम ऐसी नॉर्मल कंडीशंस में भी रहकर परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, बोर होते हैं। उन्होंने अपने एक बहुत लेटेस्ट वीडियो में बताया था कि यूथ अपनी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से वेस्ट कर रही है क्योंकि उनके पास कोई मोटिव नहीं है जीने का। उन्होंने बताया आसानी से यूथ डिस्ट्रैक्शंस में इसलिए फंसती है क्योंकि उनके पास जीने का मकसद नहीं है। जब आपके पास जीने का एक स्ट्रॉन्ग मकसद होता है यानी इकिगाय, तो आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से ही प्यार कर बैठते हैं। गाइस लाइक माय मोटिव इज़ टू मोटिवेट यू टू मोटिवेट योर स्टार्ट योर इम्पॉसिबल, ताकि वो अपना स्टार्ट कर सके अपना इम्पॉसिबल। नाउ इट्स हाई टाइम आपको अपना मोटिव ढूंढना है। इस अगर आप देखें तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं बोर फील कर रहा हूँ, मैं एनएक्साइटी फील कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, तो इन सब का मीनिंग, इन सब का आंसर्स आपको आज यहाँ मिल गया है। गाइस अगर आप देखें बहुत ध्यान से शांत रहेंगे तो गौतम बुद्ध, मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग, ये बुक, सक्सेसफुल लोग और जितने भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं सारी एक तरफ इशारा कर रही हैं, अगर हम ध्यान से सोचें बैठकर अपने मन को शांत करें तो दैट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ। और बहुत से लोगों ने तो मीनिंग ऑफ लाइफ बताया भी है, अगर फिर भी हम अपने लाइफ का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, तो हम सिर्फ भीड़ चाल में चल रहे हैं और धक्के मार रहे हैं एक दूसरे को, सिर्फ धक्के। गाइस डिप्रेशन, एनएक्साइटी एंड बोर्ड का रियल मीनिंग ही यही है, हम अपने आसपास की एनर्जीज़ को ही महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइस आज का मैं टॉपिक यहीं पे क्लोज करती हुई ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर आंसर देना कि आप अपना मोटिव क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्या है। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, एंड आपको कैसी लगी ये वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको डेली मोटिवेशन चाहिए, वैसे मैं यूट्यूब पे देती ही रहती हूँ, मेरा FB एंड इंस्टा का पेज है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल इश्यूज भी शेयर करने हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। सो ब्लेस यू ऑल टिल देन, एंड हाँ मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।